नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SBI के एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम 2023 के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात किया है कि SBI का एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम क्या होता है, इसमें आप कैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं, इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, आपको किस तरह से ये फायदेमंद हो सकता है। तो इन सारा टॉपिक को हमने एक एक करके डिटेल में कवर किया था। दोस्तों, उस वीडियो का कंटिन्यूएशन में ये इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 है। अगर आपने उस वीडियो को, पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि पार्ट 2 देखने से पहले आप एक बार पार्ट 1 को देख लीजिए। दोस्तों, पार्ट 1 को आपने बहुत लाइक किया, एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम 2023 को आपने पार्ट 1 को बहुत लाइक किया, आपने बहुत प्यार दिया, इसलिए उसको आप इसलिए हम आपका शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं। पार्ट 2 में कुछ ऐसे चीज हम कवर करेंगे जो कि पार्ट 1 में छूट गया था, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस जैसे कि ये स्कीम एक्सेबल है या फिर नहीं है, इसमें नॉमिनी ऐड कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भी या फिर नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आशा करता हूँ इस वीडियो को भी आप पहले पार्ट की तरह अपने प्यार देंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एन्युइटी डिपॉजिट स्कीम 2023। दोस्तों, इस स्कीम के रिलेटेड पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि यह स्कीम क्या है, व्हाट इज एन्युइटी डिपॉजिट। अंडर दिस स्कीम ए लमसम अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर व्हिच इज रीपेड टू द कस्टमर ओवर ए पीरियड। इस स्कीम के अंदर आप एक लमसम अमाउंट, मतलब कि एक बड़ा अमाउंट, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख बैंक में डिपॉजिट करते हैं और हर महीने इसके मैच्योरिटी पीरियड तक आपको कुछ कुछ पैसा मिलता रहता है दोस्तों, इंटरेस्ट के साथ। हाउ एन्युइटी डिपॉजिट इज डिफरेंट फ्रॉम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये एन्युइटी डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है दोस्तों कि आप हर महीने कुछ कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं और मैच्योरिटी के बाद आपको लमसम अमाउंट मिलता है। पर यहाँ पे जो एन्युइटी डिपॉजिट है ये रिकरिंग डिपॉजिट का एकदम उल्टा है। आप एक बार में लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और आपको कुछ सालों के लिए हर महीने आपको EMI मिलती रहती है। जैसे कि आप बैंक में, जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए कि आप बैंक से लोन लिए, अब वो लोन को आप कैसे चुकता करेंगे हर महीने EMI भर के, उस केस में बैंक आपको लोन दे रहा है, आप EMI दे रहे हैं। इस केस में उल्टा, आप बैंक को एक लमसम पैसा दे रहे हैं और बैंक आपको EMI की तरह हर महीने पैसे रिटर्न कर रही है इंटरेस्ट के साथ। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है दोस्तों कि हाउ एन्युइटी डिपॉजिट इज डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट से किस तरह से अलग है, जैसे कि दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था RD के बारे में। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है दोस्तों, आप एक लमसम अमाउंट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल या फिर 8 साल या फिर 10 साल के लिए, उसके बाद वो मैच्योर्ड हो जाते हैं और आपको एक मैच्योरिटी के बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। पर एन्युइटी डिपॉजिट स्कीम में आप क्या करते हैं दोस्तों, आप एक, जैसे आप FD में एक बड़ा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करते थे, एन्युइटी डिपॉजिट में भी आप वो अमाउंट डालेंगे, पर यहाँ पे आपको मैच्योरिटी के बाद में नहीं, स्टार्टिंग से ही हर महीने से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन्युइटी डिपॉजिट। एन्युइटी डिपॉजिट का मैच्योरिटी अमाउंट क्या है दोस्तों, हमने पहले से ही बात किया था कि एन्युइटी डिपॉजिट में आप एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले हर महीने बैंक आपको पैसा देती है। तो उसका जो लमसम अमाउंट, मतलब उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, वो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इन एन्युइटी डिपॉजिट एज पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग प्रिंसिपल इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हेंस एट मैच्योरिटी डेट द मैच्योरिटी अमाउंट रिमेन्स 0। क्योंकि आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के हर महीने दे रही है, तो इसका ऐसा कुछ मैच्योरिटी डेट या फिर मैच्योरिटी वैल्यू नहीं रहता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर एन्युइटी डिपॉजिट। इसका कम से कम आप कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट जो होता है दोस्तों, वो कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको मंथली 1000 रुपये का इंस्टॉलमेंट, आपको मंथली 1000 रुपये बैंक की तरफ से मिल सके। जैसे कि अगर आप 3 साल के लिए करना चाहते हैं
तो कम से कम आपको 36,000 रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ेगा। और द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग विल बी द सेम एज एप्लीकेबल फॉर फंड ट्रांसफ़र विद इन टू अकाउंट। दो अकाउंट के बीच में आप जितना अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं उतना ही मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिपॉजिट जो होता है दोस्तों वो एक बड़ा अमाउंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट। आप कम से कम कितना साल और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए एन्यूटी डिपॉजिट स्कीम को अवेल कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया दोस्तों मिनिमम पीरियड हो गया 3 साल और मैक्सिमम पीरियड हो गया 10 साल। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु कैन अवेल दिस फैसिलिटी। ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल कस्टमर इंक्लूडिंग माइनर्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी। अब जो भी कस्टमर हैं एसबीआई के सारे के सारे कस्टमर माइनर एंड मेजर दोनों इसको अवेल कर सकते हैं। बस एनआरओ एंड एनआरई ये दोनों इसको अवेल नहीं कर सकते। अब कैन सीनियर सिटीजन अवेल एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन्यूटी डिपॉजिट। अगर सीनियर सिटीजन एन्यूटी डिपॉजिट में पैसा डालते हैं तो क्या उनको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है, क्या उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है? इसका आंसर है दोस्तों हाँ, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सीनियर सिटीजन के लिए। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है? एज एप्लीकेबल टू टर्म डिपॉजिट ऑफ टेन्योर एज ऑप्टेड बाय द डिपॉजिटर। तो टर्म डिपॉजिट का जितना इंटरेस्ट रेट होता है इसी का भी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो एसबीआई साइट से आप उसको चेक कर सकते हैं। कैन आई सेट द मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन फॉर एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट, क्या आप मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन को सेट कर सकते हैं? इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैच्योरिटी डेट या फिर मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होता इसलिए आप इसको सेट नहीं कर सकते। इन हुज नेम विल द एसबीआई एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट बी ओपन, किसके नाम पे एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट खोला जा सकता है? व्हाट विल बी द मोड ऑफ ऑपरेशन, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? द नेम और नेम्स मोड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रांच ऑफ न्यूली जनरेटेड एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट विल बी सेम एज इन डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट में आप जिस नाम होगा उसी नाम पे आप खोल सकते हैं। फ्रॉम विच एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट इज फंडेड, जैसे कि मैं अब एक एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहता हूँ तो मेरा एसबीआई में पासबुक है, वहाँ पे मेरा नाम है, तो मैं अपने नाम से एसबीआई का एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता हूँ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम विच आई कैन डेबिट इन अमाउंट फ्रॉम एन्यूटी डिपॉजिट। एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट में पैसा डालने के लिए मैं कौन से अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? अब सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, करंट अकाउंट से कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लेके कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सारा फैसिलिटीज़ मिल जाता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों, हाउ कैन आई ऐड नॉमिनी इन एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट व्हाइल ओपनिंग एन एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट। जब भी आप एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे यू विल बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू रिटेन द नेम फॉर डिपॉजिट अकाउंट इन डेबिट अकाउंट फ्रॉम विच इट इज़ फंडेड। जब भी आप एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा नॉमिनी का नाम पूछने के लिए, वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। कैन आई ऐड ए न्यू नॉमिनी ऑनलाइन, क्या आप ऑनलाइन नॉमिनी ऐड कर सकते हैं? इसका आंसर है दोस्तों नो, आपको अगर नॉमिनी ऐड करना है या फिर नॉमिनी चेंज करना है तो आपको ब्रांच विजिट करके ही इसको करना पड़ेगा, आप इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। कैन आई ओपन ऑनलाइन एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट फॉर एनी अदर नेम, क्या आप ऑनलाइन एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं? नॉट बिलोंगिंग टू डेबिट अकाउंट फ्रॉम विच एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट इज फंडेड, इसका आंसर है दोस्तों नो, यू मे कॉन्टैक्ट द ब्रांच फॉर द सेम, आपको एन्यूटी डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच को जाना पड़ेगा। अब बताएं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इज देयर एनी कट ऑफ टाइम फॉर क्रिएटिंग एन्यूटी अकाउंट, क्या एन्यूटी अकाउंट करने के लिए कुछ कट ऑफ टाइम है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप 8 AM से 8 PM के बीच इसको कर सकते हैं दोस्तों। कैन आई क्लोज माई अकाउंट डिपॉजिट ऑनलाइन, क्या आप अपने एन्यूटी अकाउंट को ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों नो, प्री मेचर पेमेंट इज परमिटेड थ्रू ब्रांच ओनली ऑन इन केस ऑफ डेथ डिपॉजिटर। आप इसको प्री मेच्योरली क्लोज करना चाहते हैं तो इसको ब्रांच आपको विजिट करके ही क्लोज करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लोज नहीं कर सकते। इज एस बी आई एन्यूटी डिपॉजिट इज सब्जेक्ट टू TDS, क्या एस बी आई एन्यूटी डिपॉजिट में आपको जो जो भी इंटरेस्ट मिलता है क्या ये इसमें आपका टैक्स कटता है, क्या ये TDS के अंदर आता है?
दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा आखिर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों हाँ, इंटरेस्ट पेबल विल बी सब्जेक्टेड टू TDS फॉर एनुअल डिपॉजिट। यहाँ पे आपका TDS कटता है। द इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन इज राउंडेड ऑफ टू द लोएस्ट रुपी वैल्यू। ड्यू टू दिस देयर कैन बी वेरिएशन इन द लास्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब इसको जितना भी रुपये आएगा उसको राउंड ऑफ करके दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था एनुअल डिपॉजिट स्कीम 2023 के बारे में। आशा करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।